आज जो नीति चल रही है देश में, जो जहां नुकसान आता है ठोक दो जनता पे, सोशलाइजेशन ऑफ द लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स, समझ गए आपने? आज जो हो रहा है देश में, मैं आपसे ही कह रहा हूं, सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जहां नुकसान हो रहा है बता दो, नुकसान हो रहा, गैस बढ़ाओ, तेल बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ, जनता का जेब काटो। जहां नुकसान होता है जनता के लिए, जनता के सर पे जाएगा नुकसान। जहां फायदेमंद चीजें, देव अदानी को देव, अंबानी को देव, टाटा को देव, बिरला को देव। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। यही तो चल रहा है। इस विश्व वाले से, इन षड्यंत्रियों से देश को बचाना है, देश को निकालना है। काफी समय हो चुका है, इसी के लिए शुरू हुआ है भारत राष्ट्र समिति। यह अभी चल पड़ा है। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, जिस प्रकार का मुझे टेलीफोन्स आ रहे हैं, जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है बहुत राज्यों से। आपने तो कई वरिष्ठ लोग, नेता लोग, कई बार जयराम पंगी जी जो तीन तीन बार, चार चार बार एमएलए रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, गोमांग जी का तो लाजवाब नेता है, उनके बारे में मुझे बताना मच्छा नहीं रहेगा इनके लिए। इतना उड़ीसा में कोई ऐसा आदमी ना हो उनको नहीं जानता, इतने सीनियर नेता, इतना लंबा उनका पॉलिटिकल करियर है और स्पॉटलेस कैरेक्टर है गोमांग जी का। ये मैं जब पंगी साहब से बात कर रहा था, जयराम जी भी इतने बड़े दिलवाले हैं, मैंने पूछा, बात हो रही थी तो जयराम जी बताए, साहब गिरधर साहब इतने अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, मैं उनका विरोध करता था तभी भी दिल्ली जाता तो उन्हीं के घर रुकता था, मैं वहीं रहता था। ये हमारा प्यार है, मतलब इतने महान इनका कैरेक्टर है। अब इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत हिम्मत बढ़ी है, हजार हाथियों का हिम्मत आज मुझे आया है। इतने ज्यादा लोग, इतने दूर से, उड़ीसा से इतना कष्ट उठा के आपने हैदराबाद आए, ये हमारे भाग्य है कि आप इतने लोग बीआरएस दफ्तर में कदम रखे हैदराबाद में। ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, जरूर हमको विजय प्राप्त होगा, देश परिवर्तित होगा। आज जो जनता वंचित है अपने संपत्ति से, देश की संपत्ति से, पूर्ण संपत्ति से जनता मिलेगा, किसानों को अपना हक मिलेगा, हर चीज को, हर सेक्शन को हम साथ लेके एक महान भारत, सुहान भारत का निर्माण करने के लिए निकल पड़े हैं, उसका सपना हम देखते हैं। कल फिर हम मुलाकात करेंगे, वहां पे मैं आपसे मिलता हूं। आप कुछ चीजें देखना चाह रहे, अक्षय जी मुझे कह, लास्ट बस में आ गए, अच्छा आ गए, अभी आ रहे जी, जी पांच सात मिनट और बोलना है, क्यों? ठीक है, कल बोलेंगे वहां पे, नहीं अभी बहुत थके हुए हैं लोग, फिर कल एक बार गरीबों के लिए सोचने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले, पार्टी अगर चुनाव जीतता है वही जनता की जीत होती है, तब जाके जनता। पहली बार मैं एक बात करके अपना बात समाप्त करूंगा, हमारे जो आदिवासी भाई है, हमारे जो दलित भाई है, क्या स्थिति है उन लोगों का, आज भी लड़ना पड़ता है। डॉक्टर बीआर अंबेडकर का सिद्धांत अगर आजादी के शुरुआत से अमल किया होता, आज ये स्थिति हिंदुस्तान में नहीं रहता। अभी हमने यहां पे एक स्कीम चालू किया है, दलित बंधु, कल आपको बता देते हैं जिनको प्राप्त हुआ स्कीम के माध्यम से, उनसे आपको मिला भी देते हैं। हर दलित घराने को यहां 17.5 लाख घराने हैं तेलंगाना राज्य में, हर दलित घराने को बिना किसी शर्त के, बिना किसी बैंक लिंक के 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो चाहे जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। बीआरएस का यह नारा है, पूरे हिंदुस्तान में किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाएगा,
बीआरएस के सरकार बनने पर सिर्फ दो साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के कोने कोने में 24 घंटा बिजली प्राप्त करवाते हैं। जो काम तेलंगाना में हुआ है वो संभव है। हम एकड़ में 10,000 रुपए देते हैं किसान के लिए, निवेश के लिए। किसान बंधु प्रोग्राम में भी पूरा देश में दिया जाएगा। ये मन की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। और दलित बंधु भी सारे हर साल 25 लाख घराने में सारे देश में दलित बंधु भी इंप्लीमेंट होगा। ये कार्यक्रम हम लेके चलेंगे। पानी समंदर में नहीं जाने देंगे, पानी को धरती पर लाएंगे। जो पैसे लोग हैं उनका प्यास मिटाने के लिए शुद्ध पानी, पीने का पानी पूर्ण रूप से उनको प्राप्त करवाएंगे। मैं एक बात और कहूंगा, आपको आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में कृषि योग्य भूमि इस दुनिया के किसी भी देश से हमारे पास ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान के जमीन है 83 करोड़ एकड़। अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास 29% ही कृषि योग्य भूमि है। चाइना हमसे 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 16% है। पूरा दुनिया में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास 50% कृषि योग्य भूमि है। और काम करने वाले 140 करोड़, यानी कि अभी हाल में न्यूज निकला है, चाइना से भी हम पार कर गए। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में ही है। तो इतने ह्यूमन कैपिटल भी है, जमीन भी है, नदियों में पानी भी है, सूरज अच्छा खिलता है, सोलर इंसिडेंस भी है, फिर किसान क्यों रोए? फिर किसान क्यों धरना करे? फिर किसान को सही क्यों दाम नहीं मिले? किसान के पैदावारी क्यों खरीदा नहीं जा रहा है? इन समस्याओं का समाधान 75 साल के बाद भी नहीं निकले तो क्या हम चुप बैठेंगे, देखते रहेंगे, कुछ संघर्ष करेंगे? हमें तो संघर्ष करने ही है। वो संघर्ष करने के लिए हमको एकमुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, वज्रमुट होना चाहिए, वज्र संकल्प लेके इस युद्ध में जीतना चाहिए ताकि सभी लोगों को राहत मिले और एक सुहान भारत, एक महान भारत, जो बीआरएस का सपना है, हर भाई का, हर बहन का, हर दलित फैमिली का, हर आदिवासी लोगों का कल्याण हो जाए और सब खुश रहे, एक ऐसे भारत का सपना हम देखते हैं। इस सपना को साकार करने में, इस युद्ध में शामिल होने के लिए जितने सारे भाई बहने आए हैं, मैं फिर एक बार दिल से आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप आज रेस्ट कीजिए, कल फिर मैं आपसे वहां मिलता हूं। फिर बाद में आप कुछ प्रांत देखना चाह रहे, देखने वाले आराम से जाइए, अब कोई जल्दी नहीं है। रेस्ट ज़्यादा कीजिए, इतने दूर से आए हैं, कल कोई कष्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। आप उस प्रांत भी देखिए, फिर जाते समय भी फिर एक बार हम सब मिल के हम लोग बातचीत करके निकल जाते हैं। समाप्त करता हूँ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जय भारत।